22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें, ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यार। लेकिन तू 15 दिन पहले आया हो तो शादी तो अटेंड कर सकता था ना? ये है करण, अभी 15 दिन पहले इसकी शादी हुई है, वो भी अरेंज्ड मैरिज। अपनी बीवी को मुंबई में अकेला छोड़कर दिल्ली आया है। क्यों? अरे भाई काम है और काम तो करना पड़ेगा। ये ही सोचकर आया था कि 4-5 दिन में काम निपटाकर मुंबई वापस। ये है बेडरूम। अच्छा है। अच्छा बनाया, एरिया भी अच्छा है और कस्टमर्स भी अच्छा है। ठीक है तुम जाओ, लंच वंच बना लो, है ना, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा सुनो, यहाँ पे आसपास में कोई शॉप वॉप तो होगा ना? ये अपना सोडा वोडा कुछ जरूरतमंद चीजें अगर चाहिए तो मिलेगा ना? ये हमारे अमर भाई साहब, ये एकदम बिंदास रहते हैं, बस साथ में एक ही चीज चाहिए, 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। जैसे कि आपने अभी सुना, जरूरतमंद चीजों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। चलो 7-8 दिन के लिए तो हो जाएगा। हेलो, तुम्हें आप ये पूछ रहे कि हर घंटे फोन करते रहोगे क्या? मैं काम करूंगा ये फोन पे रहूंगा? आपको मेरी हालत जाननी है? अच्छा सुनो, तो कोई कोरोना वायरस आया है और मोदी जी ने बोला घर पे बैठे रहो और तालियां बजाओ। अरे आप वैसे फोन करते रहूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे? मम्मी सुनो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खा लूंगा, ठीक है? फोन रखो, बाय। पीटर, एंग्री यंग मैन, इसकी लाइफ में ना एक चीज क्लियर है, वो ये कि अपना एटीट्यूड ही सब कुछ है, बाकी ये फैमिली फ्रेंड्स रिलेशन सब दिखावा है, सिर्फ अपना काम करने का और कंपनी का टारगेट अचीव करने का, बाकी नो बकवास। इसकी 3 खासियत है, गुस्सा, गुस्सा और बहुत सारा गुस्सा, और इस सब के बीच में 8 टपका क्या, कोरोना।
मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। हेलो, इज एवरीवन ऑनलाइन? हेलो रोहित, आर यू देयर? हेलो रोहित, एम आई ऑडिबल टू यू? रोहित थोड़ा जोर से बोलो ना, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ ओके, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके, सो मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाया था। क्या रोहित, वायरस? सुनो, ये वायरस हमें कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है? कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, और कल टाइम पे ऑफिस आना है और जो भी टारगेट दिया गया है वो खत्म करना है। संजना। हेलो करण, तुम ठीक हो ना? सुना कि नहीं 21 डेज लॉकडाउन? हाँ मैंने भी सुना, तू टेंशन मत लेना, तो गवर्नमेंट ने बोला है ना, मैं चेक करता हूँ कल आने का। नहीं, ये डेंजरस है, रिस्क मत लेना प्लीज। अरे लेकिन रिस्क नहीं लेना मतलब, तुम वहां अकेले और मैं यहाँ कैसे रहोगे? नहीं नहीं, मैं कैसे भी करके आ जाऊंगा, डोंट वरी। हाँ भाई साहब टेंशन में है। मस्त जगह है, कंपनी का गेस्ट हाउस है यार, एकदम रिसोर्ट जैसा। आपने लिए तो एकदम सही माहौल है। हाँ मैंने भी सुना था, ऐसे भी ना इंडिया में लोगों को कैसे बंद रखेंगे? कुछ नहीं होगा, एक या दो दिन में सब कुछ नॉर्मल होगा। तो फिर माल तो स्टॉक करके रख दिया है, खत्म हो जाएगा और मंगवा लेंगे। गुजरात है, ड्राई स्टेट है, नहीं मिलता। ये तो एक फ्रेंड से परमिट में करवाया है, तुझे भी पता है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा चलेगा, ये तो चाहिए। चल
हेलो रोहित, अच्छा सुन, सबको बोल देना बाहर ना निकले, पुलिस की चेकिंग चल रही है। हाँ, और सबको बोल देना कि घर पे बैठ के जितना काम हो सके सब खत्म कर देना। मार्च का महीना है सो हमें सारा काम खत्म करना ही होगा, और ये सब तो 2-3 दिन ही चलेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, घर पे बैठ के जितना काम कर सको उतना काम कर देना। ठीक है। वो पुलिस वाले का चेहरा तो याद है मुझे, इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। हेलो संजना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कैसे भी करके आने का। नहीं होगा करण, एक ही बात है, तुम रिस्क मत लो। और तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं? हाँ, बट तुम अकेले हो ना, काम तो हो जाएगा, मुझे तुम्हारे बारे में सोच के टेंशन हो रहा है। करण, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं यहाँ खुश हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन तुम कैसी बात कर रही हो, टेंशन तो होगा ना। अच्छा सुन, बॉस का कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, क्लाइंट मीट हो गया है। सब, आपका खाने का वक्त हो गया। अरे मेरे प्यारे लाल भाई, खाना नहीं मिलेगा ना, चलेगा, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए, टेबल पर रख दो, खा लूंगा मैं। ये देखो, ये मस्त लाइफ है, ना घर का टेंशन, ना काम का टेंशन, पियो जी भर के। कहाँ थी इतनी देर, कितनी देर से कॉल कर रहा था, क्या कर रही थी तू? वो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो अभी ऑन किया तो आपका मिस कॉल देखा। अच्छा, ये बोलने के लिए कॉल किया था कि मैंने एजेंसी से बात किया, उन्होंने बोला कोई चांस नहीं है, अगर होगा तो कॉल बैक करेंगे, और टिकट चार्जेस भी ज्यादा रहेगा। अच्छा तो रहने दीजिए ना, क्यों तकलीफ ले रहे हो। हाँ ठीक है, एज यू विश। हेलो। अरे अंकल, आप बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब प्लीज़ फ़ोन रखो। बात कर रहे हो यार, तो दोनों बोतल गलती हो गई साहब। प्यारे लाल, तू मुझे ना जानता नहीं है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। जा, जा भी बाहर जा, जो मिल रहा है
जितना भी मिल रहा है लेके आ जा, जाए यहां से। मतलब अब यही बचा, अभिजीत है ना।